दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप NOC ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ड्रॉ के प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। जिनका सिंगल एप्लीकेशन था, उनके ड्रॉ पहले ही हो चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, LEC हो चुका है, फील्ड वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उनको LOI इशू हो गया है। तो दोस्तों, ड्रॉप प्रोसेस जिनका चल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, इसके बाद LEC होगा, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा। अगर सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर पाई गई तो आपको LOI इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, LOI जब भी इशू होती है, उस टाइम ऑयल मार्केटिंग कंपनी LOI के साथ एक ड्राइंग भी प्रोवाइड करती हैं और एक रिक्वेस्ट लेटर भी देती हैं, जो NOC के लिए DM एडमिनिस्ट्रेशन से NOC के लिए होता है। तो दोस्तों, वो DM NOC मैंडेटरी होता है, बिना उसके दोस्तों आप ले नहीं सकते हैं। जितनी भी पेट्रोलियम रूल्स हैं, पेट्रोलियम रूल्स को फॉलो करने के लिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या सेल करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, इस कंडीशन में दोस्तों हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अकॉर्डिंग और साथ ही पेट्रोलियम रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये DM NOC कैसे ली जाती है, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि जब आपको LOI मिलता है, उस टाइम आपको एक ड्राइंग मिलता है और एक रिक्वेस्ट लेटर मिलता है। तो वो ड्राइंग, LOI की कॉपी और साथ ही दोस्तों आपको जो रिक्वेस्ट लेटर मिला है, ये रिक्वेस्ट लेटर आपको DM के सिविल एंड सप्लाई ऑफिस में सबमिट करना होता है। जब दोस्तों इसको हम सिविल एंड सप्लाई ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, तो वहाँ का डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को NOC के लिए भेजता है और एक रिक्वेस्ट लेटर और आपके साथ जो ड्राइंग है वो भेजा जाता है। तो जब सिविल एंड सप्लाई ऑफिस में हम अपना रिक्वेस्ट लेटर, ड्राइंग और LOI की कॉपी और कुछ फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो सिविल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक लेटर बना के आपके ड्राइंग की कॉपी, LOI की कॉपी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज देता है। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको फॉलोअप करना होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। ये सारे रूल्स जो है दोस्तों, ये पेट्रोलियम के हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से हमें NOC लेनी पड़ती है और किस किस डिपार्टमेंट में हमको फॉलोअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं, NOCs की लिस्ट बताऊं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं जो NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो दोस्तों लेना पड़ता है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल जल रहा है या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, क्या होता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से इसलिए NOC लेना पड़ता है कि जो हमारे पाइपलाइन लगे हुए हैं, जो टैंक्स लगे हुए हैं, उनमें कोई लीकेज तो नहीं है जिससे केमिकल फैल जाए मिट्टी में, वहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन तो ना हो। तो इसको ध्यान देते हुए दोस्तों, आपको पहला जो NOC लेना पड़ता है, एक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ता है। ये दोस्तों आज की डेट में ऑनलाइन भी हो जाता है, आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर भी इसमें है, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों होता है NOC, वो होता है NHAI, MORTH या PWD का। दोस्तों, जिस भी रोड पे आप पेट्रोल पंप सेटअप कर रहे हैं, एक्सेस करने वाले हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो उस रोड पे आपको उनका परमिशन लेना जरूरी है, NOC लेना जरूरी है। दोस्तों, NOC में सबसे टिपिकल, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे लेंदी प्रोसेस इसी का होता है, PWD का, NHAI का या फिर NHAI के MORTH रूल का, जो भी होता है उनसे। दोस्तों, हम आगे आपको बताएंगे भी कि NHAI के लिए या PWD के लिए कितनी फीस लगती है और कितना टाइम लगता है। अगर आपका पेट्रोल पंप वो स्टेट हाईवे पे है या फिर PWD रोड पे है, तो वो वहाँ पे, वो इस कंडीशन में आपको
स्टेट से, स्टेट पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है। अगर दोस्तों आपका पेट्रोल पंप ऑन रोड एनएचआई पे है, एनएचआई की रोड पे है, तो इस केस में दोस्तों आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोसेस है, जो एनओसी है, वो वहां से लेनी पड़ती है। दोस्तों इसमें वो अपने कंडीशंस भी देखते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं, कट देखते हैं, आरओडब्ल्यू देखते हैं, मीडियन गैप देखते हैं, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही वो आपको पेट्रोल पंप के लिए एनओसी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है पुलिस की एनओसी, जिसे एसपी एनओसी भी बोलते हैं, जो आपको एसपी के यहाँ से मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो फाइल लगती है वो आपके प्रॉपर जो भी थाना होता है वहां से लगती है और एसपी ऑफिस के पास जाती है। एसपी ऑफिस आपके एक्सेस को देख के, आप जहाँ पे पेट्रोल पंप सेटअप कर रहे हैं उन चीज़ों का इंस्पेक्शन करके कि उस पेट्रोल पंप की वजह से प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होने वाली है या कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होने वाला है इस पेट्रोल पंप से, तो इन सब को देखते हुए दोस्तों आपको एक पुलिस एनओसी भी चाहिए होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो फोर्थ एनओसी है आपका, वो होता है दोस्तों नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। दोस्तों अगर आपका पेट्रोल पंप किसी नगर निगम में आ रहा है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ रहा है, अथॉरिटी में आ रहा है, तो दोस्तों उनके कुछ रूल्स होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, नगर निगम के, वहां से दोस्तों आपको एनओसी लेना पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों जो फिफ्थ एनओसी है वो है आपका फायर सेफ्टी एनओसी। फायर सेफ्टी का एनओसी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब भी आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है। अगर दोस्तों आपने फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया है, उनके जो कंडीशंस हो, इन केस कभी फायर की कंडीशन सिचुएशंस आती है, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए वहां पे आपका फायर फाइटिंग का सिस्टम इंस्टॉल है कि नहीं है, वहां पे पाइपलाइन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, साथ ही दोस्तों जो उनके हाइड्रोजन के सिलेंडर्स होते हैं वो प्रॉपर वहां पे हैं कि नहीं है, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं हर 6 महीने पे, वो सारी चीजें आपको करानी पड़ेंगी। इन केस कभी फायर की सिचुएशन होती है तो उसको टैकल करने के लिए उनके जो व्हीकल्स आते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट के लिए पॉइंट्स हैं कि नहीं है, प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है, इन सब चीजों को देखने के लिए दोस्तों, इन सब चीजों को फॉलो करने के लिए फायर एंड सेफ्टी, फायर फाइटिंग का एनओसी लेना मैंडेटरी होता है। और जब भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो फायर फाइटिंग के जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो आप जरूर करें, ठीक है। जो नेक्स्ट एनओसी है दोस्तों वो है एसडीएम। जो दोस्तों आपने प्लॉट लिया है जहां पे आपका पेट्रोल पंप सेटअप होने वाला है, कंस्ट्रक्शन होने वाला है, उस लैंड पे, उस प्लॉट पे कोई विवाद तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने जबरदस्ती किसी के प्लॉट पे कब्जा करके बना रहे हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दोस्तों होती है एसडीएम की, क्योंकि एसडीएम जो होता है अपने पूरे तहसील का मालिक होता है। एसडीएम के ही नॉलेज में सारी चीजें होती हैं, एसडीएम के देखरेख में ही सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एसडीएम जो है वो आपके पेपर्स को देखेगा, वहां पे सर्वे करवाएगा लेखपाल के द्वारा, रिपोर्ट लगती है तहसीलदार के द्वारा, और फाइनली अगर वो आपका लैंड प्रॉपर है तो इस केस में आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो एसडीएम ने ऑब्जेक्शन ले लिया है और उनका आज तक पेट्रोल पंप स्टार्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है तहसील का, वो होता है दोस्तों एसडीएम। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही आपको ये क्लियरेंस मिलता है, जिसे एसडीएम एनओसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। दोस्तों जब कभी भी आप देखते होंगे कि नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, तो किसी फॉरेस्ट से होने के बाद आपका पेट्रोल पंप है, फिर फॉरेस्ट, जैसे पेट्रोल पंप खत्म हो रहा है फिर फॉरेस्ट स्टार्ट हो जा रहा है, फॉरेस्ट के लैंड स्टार्ट हो जा रही है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोस्तों इसमें देखता है कि आप जो है वहां पे कोई पेड़ कट तो नहीं करवा रहे हैं,
या फिर कट करवा रहे हैं तो कितना करवा रहे हैं, ये उनके नॉलेज में है कि नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो लैंड है वो ऐसा तो नहीं आपका ना हो कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। दोस्तों एक चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और देखती है कि सपोज दैट आप कोई पेड़ कट करवा रहे हैं तो उसमें जो है उनके कुछ फीस होते हैं, कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, उनका परमिशन लेना पड़ता है, इसके बाद उस पेड़ को कट करवाएंगे आप, रीजन देंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एनओसी है वो तभी मिलता है जब पीडब्ल्यूडी या एनएचआई का एनओसी मिल जाए। क्योंकि जब एसएस परमिशन मिल जाता है, एसएस परमिशन आपका देता है पीडब्ल्यूडी, एनएचआई और स्टेट हाईवे, ठीक है। तो जब आपको एसएस परमिशन मिल जाता है इसके बाद ही आपको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो 8th आपका एनओसी है वो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। दोस्तों आपने देखा होगा कि हाई टेंशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी के केबल्स के होते हैं ओवरहेड या अंडरग्राउंड दोनों कंडीशंस में होते हैं। तो दोस्तों उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होगा, उसकी वजह से कोई फायर की कंडीशंस तो नहीं क्रिएट होगी। तो इन सब चीजों के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपका जो आपके पावर हाउस होगा आपके यहाँ, वहां का जो एसडीओ होगा वो ये क्लियरेंस देते हैं। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनओसी है और बिना इस एनओसी के आपका काम होने वाला नहीं है, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों इस तरह से 7 से 8 एनओसीज आपको लगती हैं। जब दोस्तों सभी डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है, जब सभी डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है तो वो सारे एनओसीज को कंपाइल कर लिया जाता है और कंपाइल करके डीएम ऑफिस को भेज दिया जाता है। फाइनली दोस्तों डीएम ऑफिस जो है सारे एनओसीज को देखता है वो प्रॉपर हैं कि नहीं है। इसके बाद वो अपनी तरफ से एक रिपोर्ट लगाता है, एक सारे एनओसीज को कंपाइल करके एक एनओसी डीएम रजिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एनओसी बना के, और जो दोस्तों फाइनल एनओसी वो डीएम एनओसी ही मानी जाती है। एक चीज का आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट में आप ड्राइंग सबमिट करें तो दोस्तों कोशिश करें एक ही ड्राइंग को सबमिट करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है पीडब्ल्यूडी या फिर एनएचआई के जो ड्राइंग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना के, कंसल्टेंट जो भी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना के लगा देते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप ध्यान रखें कि जब कभी भी बनाएं तो जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो सेम ड्राइंग को, ठीक है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, एक सवाल आपके दिल में, एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि इन सारे एनओसीज में कितना टाइम लग जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें एनओसीज का, ये सारे एनओसी दोस्तों कुल मिला के 90 डेज मैक्सिमम लगते हैं, बट एक जनरल एवरेज में आपको 45 डेज से लेके 60 डेज के बीच में मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करेंगे। तो अगर दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप फॉलोअप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मूव कराते हैं, और साथ ही अगर कोई क्वेरीज आती है डिपार्टमेंट से तो उस क्वेरीज को आप जल्दी से जल्दी फुलफिल करवाते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप क्लियर करवा देते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और इसमें लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से देने हैं। एनएचआई का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनओसी होता है, ये एनओसी दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, सबसे लेंदी प्रोसेस का, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको मैन्युअली या खुद से ना करें, क्योंकि इसमें करने पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए किसी कंसल्टेंट को आप जरूर हायर कर लें, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, जहाँ पे आपके 45 डेज में कंप्लीट होना है वो 45 डेज में हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अब एनएचआई के गाइडलाइंस भी आ गए हैं, 13 जुलाई 2023 को इनका एक गाइडलाइन आया है कि जितने भी एक्सेस परमिशन होते हैं पेट्रोल पंप के लिए वो 45 डेज में क्लियर करने हैं। हर एक डेज पे उन्होंने अपना टाइम स्लॉट दे दिया है कि कब से स्टार्टिंग डेट से लेके
इन डेट तक 45 डेज में हो जाना चाहिए, अगर कोई क्वेरीज आती है तो उसको भी लिख कैलकुलेट करके। तो दोस्तों किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप इसको कराइए तो ये इजीली हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सब मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि इसमें कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट की फीस की हम बात करें तो इसमें करीब करीब आपके 20,000 रुपये भारत कोष में जमा करवाने पड़ते हैं, और 2.5 लाख रुपए का जो दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है, जिसमें आपको रिफंडेबल नहीं है जो। और इसके साथ ही दोस्तों आपको जो है 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी आपको सबमिट करना होता है। तो ये दोस्तों मिला के करीब करीब 3 लाख रुपए आपके गवर्नमेंट की फीस, और इतने पैसे आपको जमा करने हैं, कम से कम 3 लाख रुपए आपको ये बिल्कुल फिक्स है ये जमा करना है। जो भी आपके कंसल्टेंट लें वो अलग की बात है, बट जो गवर्नमेंट की फीस जाएगी करीब करीब NHI के लिए, इतना फीस फाइनल जाना ही जाना है, इसमें आपको 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो 2.5 लाख रुपए का आपका बैंक गारंटी होगा, वो जब आपका पेट्रोल पंप स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के 1 साल बाद उसको आप इन कैश करवा सकते हैं, ये आपका रिटर्नेबल है, ये आपका रिटर्न हो जाएगा। एक चीज का ये है, उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 लाख दोस्तों, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे बोल रहे थे कि मैं NOC लेना चाहता हूँ, मैं UP से हूँ तो मैं कहाँ से लूँ। तो दोस्तों हमारे जानने वाले कुछ कंसल्टेंट हैं जो लखनऊ में हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लखनऊ में एक कंसल्टेंट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके यहाँ से आपका हो सकता है। तो जिसको भी NHI के लिए NOC लेना है या PWD के लिए लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको इजीली काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को NOCs के बारे में पता चल सके और जिनके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।